पर झोल परोसने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत को उन्होंने जो चुना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हरेक मुद्दे पर झूठ बोला, अग्निवीर पर झूठ बोला, अयोध्या पर झूठ बोला, किसानों पर झूठ बोला, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होकर भी देश की संसद से झूठ बोलना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश के लोगों को गुमराह करने के लिए संसद का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं। यह उनके भाषण का अंश है। यह कितना गंभीर मामला है, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का यह अपमान है। न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है, बिना किसी जानकारी के इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है। राहुल गांधी क्या इस बात को भूल गए? कि हिंसा किसने की? आपातकाल लगाकर संपूर्ण देश को कारावास बना दिया, जेल बना दिया, जेल में ठूस दिया। राहुल गांधी इस बात को भूल गए 1984 के वो सिख दंगे और इतना बड़ा दंगा होने के बावजूद क्या कहा था उनके पूज्य पिता ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये क्या था? और हिंदुत्व के खिलाफ बोलना ये कांग्रेस की नियति हो गई है।